एवरीवन, आज की मेडिटेशन है लिलियम टिग्रिनम। लिलियम टिग्रिनम का जो मेंटल है उसमें हम ये देखते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा दुखी रहते हैं और ख़ासकर अपने उद्धार जो है उसके लिए ज़्यादातर परेशान रहते हैं। और ये इनकी जो कंप्लेंट्स हैं वो ओवेरियन और यूट्राइन कंप्लेंट्स के साथ में आती हैं, यानी कि ओवेरी और यूट्रस में कुछ ना कुछ कंप्लेंट्स होंगी, उसके साथ में दूसरी कंप्लेंट्स आती हैं। वर्टेक्स में एक वाइल्ड क्रेजी फीलिंग बनी रहती है और आइडियाज़ जो होते हैं उनके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं, जो भी विचार हैं उनके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं उनके दिमाग में। प्रोफाउंड डिप्रेशन रहता है, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं और शायद ही अपने आप को रोक पाएँ रोने से, तो रोते बहुत ज़्यादा हैं ये, बहुत ज़्यादा साई होते हैं और डरते भी हैं, तो डर में बहुत ज़्यादा होता है। और डर सिर्फ डिप्रेशन में ही नहीं है, इनका डर जो होता है वो अकेले रहने से भी होता है। ये सोचते हैं ये पागल हो जाएंगे या हार्ट की डिसीज़ेस जो हैं या ऐसी कोई डिसीज़ इनको हो गई है जो इनक्योरेबल है, या फिर कोई आपदा आने वाली है या कोई बीमारी आने वाली है। ये घबराहट भी होती है उन्हें, जो कि कोई भी इनको डिसीज़ है या जो आने वाली डिसीज़ है उसके लिए इनको घबराहट भी होती है। और ये जो होते हैं ये श्राप देने के लिए आदि रहते हैं, डिस्पोज टू कर्स, और उल्टे सीधे विचार इनके दिमाग में चलते रहते हैं। यूट्राइन इरिटेशंस के साथ में ऐसा होता है, ऑब्सीन थिंग्स को ये मतलब उनका विचार ऐसे चलते रहते हैं उनके दिमाग में, और साथ में यूट्रस में यूट्राइन इरिटेशन होता है। ओके, दो इम्पोर्टेंट और चीज़ें हैं इनमें कि ये लिस्टलेस रहते हैं, इनके पास कोई काम नहीं रहता है, फिर भी ये शांत नहीं बैठना चाहेंगे, कुछ ना कुछ करना चाहेंगे और बहुत जल्दी जल्दबाजी में करेंगे, कोई भी काम करेंगे बहुत जल्दबाजी में करेंगे। कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, कोई एम नहीं है, एमलेस हैं, कुछ ना कुछ करना चाहेंगे। कारण क्या होता है कि ये उनका जो सेक्सुअल डिज़ायर है उसको सप्रेस करना चाहते हैं, इसलिए ये अपने आप को कहीं ना कहीं व्यस्त करते हैं, अपने आप को कहीं लगा देते हैं और बहुत ही जल्दी जल्दी काम करते हैं, तो इस वजह से उनका जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो सप्रेस हो सके। ये रेस्टलेस रहते हैं और फिर भी चलना नहीं चाहते हैं, रेस्टलेस होने के बावजूद भी नहीं चलना चाहते। कुछ हम लोग पढ़ते हैं मेडिसिन जहाँ पर रेस्टलेस है पेशेंट, तो वो मूव करेगा, बैठ नहीं सकता वो, लेकिन यहाँ पर क्या है, जस्ट अपोजिट है कि रेस्टलेस है फिर भी ये चलना नहीं चाहते हैं। डर का तो बता ही दिया कि अकेले रहने से, इंसैनिटी से, कोई बीमारी है उससे, ये इनको एक डर बना रहता है। फिजिकली अगर हम बात करें तो ये लेफ़्ट साइड की रेमेडी है, लेफ़्ट साइड पर अच्छा काम करती है। इसके जो पेशेंट होते हैं वो ऐसे जो ग्राउंड है जो अनइवन है, ऊपर नीचे ग्राउंड है, उस पर ये चल नहीं पाते हैं, और इनका जो पेन है वो एक स्मॉल स्पॉट पर होता है जो कि शिफ्टिंग नेचर का होता है। स्मॉल स्पॉट पर कैलीवाइक्रोमियम में भी पेन होता है, ऑक्सलिक एसिड में भी होता है। जीआईटी की अगर हम बात करें तो उनको कॉन्स्टेंटली अर्जिंग होती रहती है डिफिशिएशन की, यूरिनेशन की। कारण है कि रेक्टम में प्रेशर पड़ता है, तो ऐसा होता है कि यूरिनरी ब्लैडर जो होता है उस पर भी प्रेशर पड़ता है, तो अर्जिंग होती रहती है, और ये अर्जिंग जो होती है प्रोलैप्स के साथ में होती है। अगर यूरिनरी सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर भी फ्रिक्वेंट अर्जिंग हो रही है, कारण हमने देख ही लिया क्यों हो रही है। अगर ये अर्जिंग को अटेंड नहीं करेंगे तो इनके चेस्ट में एक कंजेशन वाली फीलिंग आने लगेगी, तो अगर यूरिनेशन की अर्जिंग हुई तो जाएं, अगर नहीं जाएंगे तो फिर चेस्ट में कंजेशन हो जाएगा, तो ये यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है इनकी। लिलियम टिग्रिनम जो है वो फीमेल से रिलेटेड, हम लोगों ने शुरुआत में भी देखा कि इनकी जितनी भी कंप्लेंट्स हैं ओवेरी और यूट्रस से जुड़ी हुई हैं, तो फीमेल में हम देखते हैं कि हेडेक हो रहा है और मेंटल जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो यूट्राइन इरिटेशन के बाद या डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। मेंसेस कैसे होते हैं, स्कैंटी हैं, अर्ली होते हैं और डार्क हैं, बहुत ज़्यादा डार्क, ऑफेंसिव भी होते हैं। फ्लो चलने पर होने लगता है और जैसे ही वो ठहर जाती है, रुक जाती है, तो इनके जो फ्लो होते हैं वो सीज हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। इनके जो यूट्रस है उसमें बियरिंग डाउन सेंसेशन होता है, ऐसा लगता है कि सारी की सारी ऑर्गन जो है वो एस्केप कर जाएगी, और इनको वुल्वा को सपोर्ट करना पड़ता है अपने हाथों से, और ये जो प्रोलैप्स होता है उसमें पाल्पिटेशंस भी पाए जाते हैं। यूट्रस की बात करें और पेल्विक ऑर्गन, पेल्विक रीजन की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा वीक होता है और उसमें एटोनिसिटी भी होती है, तो इस वजह से एंटीवर्जन देखने को मिलेगा, रेट्रोवर्जन देखने को मिलेगा, सब इन्वॉल्यूशन देखने को मिलेगा। और लीवर की बात में अगर बहुत धीरे धीरे रिकवरी हो रही हो तभी लिलियम टिग्रिनम हम देखते हैं, लीवर की धीरे धीरे रिकवरी हो रही है। कॉन्स्टिपेशन, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं कॉन्स्टिपेशन और रेक्टम की इनएक्टिविटी के साथ में हो रही है, ठीक है, तो इसका फीमेल लिलियम टिग्रिनम का कि इसमें हेडेक है, ओवेरी और यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मेंसेस अर्ली और स्कैंटी हो रहे हैं, बियरिंग डाउन सेंसेशन हो रहा है, यूट्रस वीक है और इसमें एटोनिसिटी है, इस वजह से एंटीवर्जन और रेट्रोवर्जन भी हम देख रहे हैं। इसके बाद लिलियम टिग्रिनम का एक और ख़ास फीचर है जो कि
कार्डिक रीजन पर होता है कि इसमें पालपिटेशंस होते हैं, और पालपिटेशंस में पल्स देखते हैं तो इरेगुलर होती है, और ये पालपिटेशंस जो होते हैं वो हार्ट के अपेक्स पर होते हैं। हार्ट के दो हिस्से, एक ऊपर है जो बेस है और एक नीचे है जो अपेक्स है। तो अपेक्स पर इनको फेंट और हरीड फीलिंग और एक घबराहट वाला सेंसेशन होता है, फ्लटरिंग भी होती है। जब ये सो रहे होते हैं लेफ्ट चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होता है, और जो उन्हें रात में जगा देता है लेफ्ट चेस्ट में, क्योंकि लेफ्ट साइडेड रेमेडी है, तो लेफ्ट चेस्ट में इनको शार्प पेन होता है और जो उनको रात में जगा देता है। पालपिटेशन जो होते हैं वो ईटिंग और लेटने पर, दूसरी साइड लेटने पर और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इनका सेंसेशन क्या है? सेंसेशन ऐसा लगता है कि हार्ट को किसी ने पकड़ रखा है। एक कोई डिवाइस, बाइस एक डिवाइस होती है जिसमें दो प्लेट होती है, उसके बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट को दबाया जाता है, या आप इंटरनेट से देख सकते हैं क्या है ये। तो हार्ट को ऐसा लगता है कि कोई प्रेस कर रहा हो, जैसे हम लोग हार्ट का पढ़ते हैं ग्रास्ट में, मतलब आयरन हैंड से किसी ने पकड़ रखा हो कैक्टस में, वैसे यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। और इसको आप देख सकते हैं इंटरनेट पर, ये क्या है वाइस। और ब्लड जो है इसमें ऐसा फीलिंग होता है जैसे कि हार्ट में चढ़ रहा हो, जा रहा हो और बस फटने वाला हो हार्ट ऐसा। और ऐसा ही सेंसेशन की ब्लड वेसल्स में होता है कि ब्लड वेसल्स में बहुत तेज़ी से ब्लड भर रहा है, डिस्टेंडेड फीलिंग होती है, और ब्लड वेसल्स से ऐसा लगता है कि ब्लड बाहर निकल आएगा ब्लड वेसल्स से, इतना ज़्यादा सेंसेशन होता है। पल्सेशन तो पूरी होल बॉडी में होता है, पल्सेशन जो है पूरी बॉडी में रहेगा। पालपिटेशंस में एक और चीज़ है कि इनकी हार्ट बीट बहुत तेज़ बढ़ी हुई दिखाई देगी, 150 से 170 पर मिनट। और एक्सट्रीमिटीज़ में, एक्सट्रीमिटीज़ ठंडी पड़ जाती हैं, कोल्ड स्वेट भी हमें देखने को मिलेगा। तो ये इसका हार्ट है, इसमें पालपिटेशंस हैं, पल्स इरेगुलर होती है, हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है, अपेक्स पे फ्लटरिंग हो रही है, लेफ्ट चेस्ट में पेन हो रहा है। एक सेंसेशन है जहाँ पर उसको ऐसा फील होता है कि जैसे हार्ट को दबाया जा रहा हो, ब्लड जो है वो आर्टरी से बाहर निकल जाएगा, हार्ट की तरफ बहुत तेज़ी से जा रहा है, ये इसको फीलिंग है। और पल्सेशन होता है पूरी बॉडी पर, और ये खासकर खड़े होकर नहीं चल सकता है, अनएबल टू वॉक इरेक्ट, खड़े होकर और ऊपर नीचे वाले सरफेस पर नहीं चल सकता है। तो यही है छोटी सी मेडिसिन लिलियम टिग्रिनम। और लिलियम को हम याद भी कर सकते हैं बहुत आसानी से, एक लिली है और एक टाइगर है, और लिली ने टाइगर को देख लिया है, और टाइगर को देख लिया है तो फिर आप, टाइगर आ जाता है तो सारे सिम्टम्स को आप अपने दिमाग में बना सकते हो, कुछ इस तरह से उसकी मेंटल स्टेट कैसी रहेगी, वो पागल हो जाएगी, डरेगी, जाहिर सी बात है डरेगा, घबराहट होने लगेगी और उल्टी सीधी बातें भी सोचने लगेगी, जाहिर सी बात है कि अब तो बचना नहीं है। हाँ, वो पागल भी हो जाएगी थोड़ी देर के लिए, तो कोई भी अचानक से अगर कुछ ऐसा देखेगा तो कुछ स्टेट तो ऐसी रहेगी, रोने भी लगेगी, जाहिर सी बात है। और फिजिकली कंडीशन ऐसी हो जाती है कि भागे तो भागें क्या, कौन है सामने, है ना, टाइगर है भाई, तो उससे तो भागना भी इम्पॉसिबल है, तो चलती भी नहीं है, कैन नॉट वॉक, ऐसा याद कर सकते हैं। और यूरिनरी सिस्टम से भी रिलेटेड सिम्टम याद कर सकते हैं, अर्जिंग, अर्जिंग छोड़ो यानी क्या क्या हो जाएगा, ठीक है। तो एक सिम्टम ये भी याद रह जाएगा कि भाई यूरिनरी सिस्टम से अर्जिंग होती है बहुत ज़्यादा इसको, है ना, बाथरूम। बाकी का हार्ट के सिम्टम से बिल्कुल, टाइगर को देख के तो उसके दिल की धड़कने 150 के 170 से लेकर 200 तक पहुँच जाए, और इसकी पल्स रेगुलर हो जाएगी, और इसको हार्ट वाला, हार्ट में ऐसा सेंसेशन भी होगा, ठीक है। और इनविल टू वॉक इरेक्ट, खड़े होकर चलने, चलना भी मुश्किल हो जाएगा, और उसको ऐसा लगेगा कि जैसे कि उसकी ब्लड जो है वो बाहर निकल जाएगा। और एक्सट्रीमिटी ठंडे पड़ जाते हैं, आप देखिए कभी भी डर जाए ना, हम तो बिल्ली देख के हमारे हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, ये तो टाइगर देख लिया इसने। तो एक बेसिक आइडिया लगा रहेगा कि लिलियम टिगरिनम हम कैसे देंगे। मैंसिस का याद रख लीजिएगा, वैसे ही मैंसिस में तो अर्ली होते हैं, डार्क होते हैं, स्कैंटी ऑफेंसिव रहते हैं, बियरिंग डाउन सेंसेशन होता है। तो एक छोटी सी मेडिसिन है लिलियम टिग्रिनम, इसको हम याद रख सकते हैं। और थैंक यू।